तो आपके जो भी कमेंट्स हैं उस पर ज़रूर आपको वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा सा मुझे और टाइम दीजिए, वन बाय वन करके मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस पे एक लेसन प्लान। हर साल एग्जाम्स में आपके लॉन्ग आंसर टाइप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने पाठ्य पुस्तक से, अब जीव विज्ञान के पाठ्य पुस्तक से एक पाठ्य योजना लिखिए, एक पाठ्य योजना बनाइए। उसमें क्लासेस दिए रहेंगे कक्षा 8 के लिए, कक्षा 7 के लिए। तो एक पाठ्य योजना आपसे ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम्स में भी, और वैसे भी आपको फाइल्स में भी आपको लिखना होगा एक लेसन प्लान। तो इस वीडियो में हम पाचन तंत्र के प्रकरण पे एक पाठ्य योजना तैयार करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्रारूप यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट पेज पे आपको ऐसे कॉलम बना लेना है। यहाँ पे आपको डेट, क्लास, वर्ग, विषय जीव विज्ञान, कलांश में का मतलब कौन से पीरियड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आप यहाँ लिख सकते हैं। और समय एग्जामिनेशन फॉर्म में जब आप एग्जामिनेशन पेपर आएगा तो पेपर में दिया रहेगा कि आपको 40 मिनट का बनाना है या 30 मिनट का बनाना है। उसके नीचे आपको यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है, ठीक है। विद्यालय का नाम लिख के आप डॉट डॉट भी डाल सकते हैं और आप किसी भी महाविद्यालय या किसी विद्यालय का नाम आप डाल सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको छात्र अध्यापक का नाम, छात्र अध्यापक और या छात्र अध्यापिका का नाम डॉट 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 लिख दीजिएगा। अपना नाम मत लिखिएगा, जाति संबंधित सूचक चीज़ों से आप बचिएगा, ठीक है। तो नाम मत लिखिएगा, छात्र अध्यापक का नाम। फिर सामान्य उद्देश्य प्रकरण हमें जो पढ़ाना है पाचन तंत्र, तो हम पाचन तंत्र का सामान्य उद्देश्य देखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य का मतलब विज्ञान पढ़ाने से विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है, तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान करना, छात्रों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की क्षमता उत्पन्न करना, छात्रों में विज्ञान विषय हेतु रुचि उत्पन्न करना, और विज्ञान के अध्ययन में छात्रों में एकाग्रता उत्पन्न करना। तो ये सामान्य उद्देश्य है जो कि जीव विज्ञान के किसी भी प्रकरण के लिए ये लिखा जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य क्या है। आप सबको पता है कि विशिष्ट उद्देश्य में आपको तीन बिंदु पे उद्देश्य बताने होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा कि छात्र में पाचन तंत्र का ज्ञान कर सकेंगे। दूसरा क्या होगा भाई, छात्र पाचन तंत्र के अंगों को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य इसका क्या होगा, पाचन क्रिया को समझ सकेंगे और छात्र पाचन क्रिया में विभिन्न भागों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ओके दोस्तों, तो शिक्षण विधि में आपको इसमें प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शनी विधि, तीन विधि का प्रयोग करना है। सहायक सामग्री में डस्टर, श्यामपट्ट, चौक और पाचन क्रिया को प्रदर्शित करने वाली चार्ट। ओके दोस्तों, पूर्व ज्ञान में बच्चे पाचन क्रिया की सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये आपका हो गया। सबसे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग होता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। तो आइए प्रस्तावना प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कार्य और छात्र क्रिया रहेगा। पहला प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं। बच्चों का जवाब आएगा हम खाना खाते हैं, विज्ञान की भाषा में हम भोजन करते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों, भोजन करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है। बच्चे कहेंगे ऊर्जा प्राप्त होती है या ताकत प्राप्त होती है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर हमारा तीसरा प्रस्तावना प्रश्न होगा कि भोजन करने के बाद हमें ऊर्जा कब मिलता है, तो बच्चे कहेंगे कि पाचन के बाद, या फिर जो भोजन करते हैं उसकी पाचन होने के बाद मिलता है। तो फिर हम बच्चों से पूछेंगे दोस्तों ये पाचन क्रिया किसे कहते हैं। बच्चे यहाँ पे मौन और समस्यात्मक प्रश्न, यहाँ से हमारा टॉपिक निकल के आ गया। तो अब आइए देखते हैं बच्चों को उद्देश्य कथन कहेंगे और कहेंगे बच्चों आज हम पाचन क्रिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहीं से हमें बच्चों को पढ़ाना होता है। तो दोस्तों प्रस्तुतिकरण में ऐसे कॉलम्स बने रहते हैं, यहाँ पे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कार्य, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, शिक्षण बिंदु में पाचन तंत्र हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो पाचन तंत्र लिख के हम पाचन तंत्र की परिभाषा बताएंगे कि पाचन तंत्र के अंदर भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, यह पाचन तंत्र कहलाता है। तो बच्चों को हमने पाचन तंत्र का डेफिनेशन बता दिया। बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको हम व्याख्यान विधि कहते हैं। फिर बच्चों को हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि पाचन में भोजन के जटिल पोषण पदार्थ व बड़े अणुओं का विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल व छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। भोजन को क्या होता है, हमने बच्चों को समझा दिया कि जटिल पोषण पदार्थों को हम क्या कहते हैं भाई, उनको छोटे और सरल घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। किसकी सहायता से, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से। तो हमने बच्चों को बता दिया।
अब बच्चों को हमने यहाँ पे पाचन तंत्र के अंग बताएंगे कि कौन कौन से अंग पाचन तंत्र में सम्मिलित होते हैं। तो पाचन तंत्र में हमने बताया कि मुख, ग्रासनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी यंत्र, बड़ी यंत्र, मलद्वार। पट कार्य में दोस्तों हमने एक ऐसा फिगर बना दिया। देखिए एग्जाम्स में आप एग्जैक्ट ऐसे फिगर तो नहीं बना सकते, मगर हाँ जो भी सहायता से आपके स्केचेस से पेंसिल से फिगर बन जाए आप उसको बना के उसके नाम यहाँ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, फिर हम बच्चों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे मुख्स और ग्रास नली अमाशय छोटी यंत्र इसके बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाएगा कि एक बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे, बोधात्मक प्रश्न, कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। और हम बच्चे से कहेंगे किन्हीं दो पाचन अंगों के नाम बताइए, तो छात्र उत्तर देंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, ये फिगर हमने पहले बनाया था, उसको फिर बना लेंगे। ठीक है, अब बताएंगे, इससे पहले हमने बताया था कि पाचन तंत्र में अंग, अब हम बच्चों को बताएंगे कि पाचन तंत्र के ग्रंथियां। तो पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियां तीन होती हैं, कौन कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय। तो वन बाई वन हम थोड़ा सा इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले लार ग्रंथि किसे कहते हैं? यह लार ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है। लार एक सिरमी तरल तथा चिपचिपे श्लेष्मा मिश्रण होता है। तरल भाग भोजन को गीला करता है तथा श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पे कार्य करता है। हमने बच्चों को बता दिया, फिर बच्चों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना है, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांतों, मुख, ग्राहिका और जीभ की सफाई करना है। ये लार ग्रंथियों का काम है। तो हमने व्याख्या भी दी, हमने ये प्रश्न उत्तर में लिख दिया। और यहाँ पे छात्र क्या होगा भाई? छात्र सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, नोट करेंगे। अब हमने लार ग्रंथि को एक्सप्लेन कर दिया, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने में। तो हमने अग्नाशय के बारे में बच्चों को हम बताएंगे। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगोन तथा बाह्यस्रावी अग्नाशी रस का श्रवण करती है। ठीक है, यह ग्रंथि यकृत, ग्रासनी तथा तिल्ली से घिरी होती है। यह 6 से 8 इंच लंबी तथा यू आकार की होती है। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। तो हमने बच्चों को ये एक्सप्लेन कर दिया कि अग्नाशय कैसे होता है, उसका क्या कार्य होता है। बच्चे यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। और श्यामपट कार्य में अग्नाशय की पेंसिल से छोटी सी हम इमेज बना देंगे। ओके दोस्तों, अब उसके बाद बात करेंगे यकृत के बारे में। तो यकृत के बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा कि लीवर को यकृत या लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है। लीवर हमारे शरीर के अंदर रहते हुए एक साथ कई काम करता है। इसका प्रमुख काम खाने और पीने को एनर्जी तथा न्यूट्रिएंट्स में तब्दील करना है। इसके अलावा ये खून से हानिकारक और विषैले पदार्थों को भी फिल्टर करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बच्चों को यकृत के बारे में बता दिया, अग्नाशय के बारे में बता दिया। अब आपने यहाँ पे एक फिगर बना देना है। तो देखिए, ये ऐसा टॉपिक है, बायोलॉजी का कोई भी प्रकरण ऐसा है कि अगर आप उसमें लिखते हैं तो आप चाहे जितना लिख दीजिए कम रहेगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला विषय होता है। तो हम इस प्रकरण को यहीं पे ख़त्म करते हैं, हमारा ये प्रकरण यहीं पे समाप्त होता है। आप यहाँ पे चाहें थोड़ा अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इन बिंदुओं के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम्स में हमें समय का भी बचत करना होता है, समय भी ध्यान में रखना होता है। तो जो भी छोटी मोटी जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट थी हमने इस प्रकरण में मेंशन कर लिया। ओके दोस्तों, फिर हम बच्चों से थोड़ा सा प्रश्न पूछ लेंगे। कौन से दोस्तों? बोधात्मक प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य, निरीक्षण कार्य देख लेंगे। तो बोधात्मक प्रश्न हमने बच्चों से पूछ लिया कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। मूल्यांकन में आपने बच्चों से पूछ लिया कि तीन पाचन तंत्र के अंगों के नाम बताइए, लार ग्रंथियों से क्या तात्पर्य है। और छात्र निरीक्षण कार्य में हमने छात्र अध्यापक कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेंगे कि छात्रों ने श्यामपट कार्य अपने कॉपी में नोट किया है या नहीं। और गृह कार्य, हम बच्चों को एक गृह कार्य दे देंगे जिसमें बच्चों से कहा जाएगा पाचन तंत्र क्रिया में सम्मिलित अंगों की रेखा चित्र बनाइए तथा उनके नाम दर्शाइए। तो दोस्तों, यहाँ हमारा प्रकरण पूरा हो जाता है, हमने हर एक चीज कवर अप कर लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी जो भी टॉपिक हैं या फिर जो भी लेसन प्लान है वो आपको अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको।